नमस्कार साथियों, मैं प्रतिमा राजपूत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल बी बेटर एंड डू बेस्ट में। दोस्तों, डेली आपको क्लासेस मिलती हैं, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, ठीक है। और यहां पे आपको 10 टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे में अगर आप इन 10 प्रश्नों में से 8 प्रश्न सही कर ले रहे हैं, 9 प्रश्न सही कर ले रहे हैं, तो आपकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी है। और कोशिश करिए कि 10 में 10, 10 में 9 सही करिए। और जिनका 7 से कम या 7 सही हो रहा है, उनको अभी और भी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जितना घर पे सही करते हैं उसका सिर्फ 50% ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। अगर आप घर पे जो प्रैक्टिस लगा के जा रहे हैं 135, 140 का, तो कम से कम वहाँ पे 105, 106 तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो तैयारी होनी चाहिए वो 150 क्वेश्चन में से आपका 145, 140 होनी चाहिए अगर आप सिलेक्शन कंफर्म करना चाहते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और इसका आंसर लगाइए कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है, और यह कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन ए है गेसेल, ऑप्शन बी है हरलाक, ऑप्शन डी है मेरेडिथ, और ऑप्शन डी है डगलस और होलैंड। तो देखिए, हरलाक का कथन है यह, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथन है, ठीक है। जो आपका 81 है, ये बाल विकास को परिभाषित किया है इन्होंने, और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको जो है ट्रिपल स्टार बना के, 5 स्टार बना के कहीं नोट कर लीजिए। अगला जो है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता नामक एक चैप्टर होगा जिसको आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लीजिएगा। तो कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति होते हैं उनमें आपस में विभिन्नताएं क्यों पाई जाती है, असमानताएं क्यों पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है वातावरण के प्रभाव के कारण, ऑप्शन बी है जन्मजात विशेषताओं के कारण, ऑप्शन सी है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है इसे अंतःक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। डी है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो 82 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, हमारे अंदर हम सब में कुछ न कुछ शारीरिक बनावट, मानसिक रुचियों को लेकर, ठीक है, भिन्नताएं पाई जाती हैं, तरह तरह की भिन्नताएं पाई जाती हैं, और ये किसका कारण होती है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अंतःक्रिया होती है उसी का परिणाम होती है, उसी के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, इसको व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं हमारे साइकोलॉजी के लैंग्वेज में। अगला देखिए, 83 है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, ठीक है। तो आपने लर्निंग सीखा होगा, अधिगम का नाम सुना होगा, ऑप्शन ए है स्मृति, ऑप्शन बी है सीखना, ऑप्शन डी है प्रेरणा, ऑप्शन सी है प्रेरणा, और ऑप्शन डी है चिंतन। तो देखिए, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, उसको क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं, इसी को अधिगम लर्निंग भी कहते हैं, इनके नाम याद रखिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, ऑप्शन ए है अभ्यास कार्य से, ऑप्शन बी है परिणाम की अपेक्षा से, ऑप्शन सी है प्रशंसा से, ऑप्शन डी है तत्परता से। मतलब सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम है, आपको सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होना चाहिए, सरल शब्दों में अगर हम कहें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है सीखने के लिए, प्राथमिक मूलभूत इकाई आप किसे कहेंगे। अभ्यास कार्य को, कि अभ्यास दे दो बच्चों को, सीख जाएंगे। बच्चों से ये उम्मीद करो कि बच्चे जो हैं अच्छे मार्क्स लाएं, या बच्चों की प्रशंसा से, या फिर तत्परता से। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, 84 का क्या हो जाएगा, तत्परता, ठीक है। आप कितने तत्पर हैं सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है, प्राथमिक मूलभूत नियम के अंतर्गत आता है। और ये जो है नियम थांडाइक ने दिया है सीखने का नियम, उन्होंने 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए हैं, पिछली क्लासेस में आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके समझाया गया है, आप उन क्लासेस को जरूर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है 85 है कि जीवन, ठीक है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या अनुकरण। तो 85 को ध्यान से देखिएगा, बच्चा क्या करता है, जन्म से ही अपने माता पिता तथा सामान्य समाज
और अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन करता है। बच्चा मतलब अंदर से कुछ सीख के नहीं आया है, आंखें खोलता है, अपने माता पिता को देखता है, पास पड़ोस को देखता है, अनेक व्यक्तियों के व्यवहारों को देखता है, फिर उसका क्या करता है, उसकी नकल करता है, उसका अनुकरण करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 86 नंबर प्रश्न है कि शिक्षण एक प्रक्रिया है, तो शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की, बी है अधिगम को निर्देशित करने की, सी है अनुदेशन देने की, डी है अधिगम का सरलीकरण करने की। तो शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? 86 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षण अधिगम को क्या है, सरलीकरण करने की प्रक्रिया है। मतलब आप जो कुछ सीख रहे हैं वो सरल हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, किसके द्वारा, शिक्षण के द्वारा। तो शिक्षण कैसी प्रक्रिया हुई, शिक्षण अधिगम को सरलीकरण करने की प्रक्रिया हुई। अगला जो प्रश्न है वह प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते, सी है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, डी है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो अब देखिए, ये स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं यह सत्य है। दूसरा है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कर सकते, क्योंकि इनको विशेष आवश्यकताएं होती हैं, इनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, ये क्रिएटिव होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, ठीक है। तो दूसरा भी सही है, तीसरा अपने निर्णयों में क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, ये भी सही है। 87 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक सेकेंड यहाँ पे देखिए पूछा है कि कैसे होते हैं, ठीक है, हमको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्या करना है, एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 87 का क्या हो जाएगा, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, क्या होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। अगर हम कहें कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, शिक्षकों के सहयोग तो अवश्य प्राप्त करते हैं किंतु उन पर निर्भर नहीं रहते, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला फिर एक प्रश्न है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को खाली स्थान है से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। मान लीजिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, किस प्रकार के प्रश्नों से जुड़े रहने के लिए आप उनको कहेंगे, किस प्रकार से जुड़े प्रश्नों पर ज़्यादा से ज़्यादा समय देने के लिए कहेंगे। ऑप्शन ए है समझ, ऑप्शन बी है सृजन, ऑप्शन सी है विश्लेषण, ऑप्शन डी है स्मरण। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है क्रिएटिविटी माइंड के होते हैं और सृजनात्मक प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए इनको कहा जा सकता है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, दो क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी इसका आंसर लगाइए, उसके बाद 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लग रही तो एक बार शेयर कर दीजिएगा, आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, साथ ही साथ अपने मित्रों को। देखिए अगर आप दूसरों का सहयोग करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है पीछे रह जाएंगे, अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो ईश्वर आपका भला करेगा, ठीक है। ये माइंड में कभी मत रखिएगा कि हम अपने दोस्तों को ना बताएं, उनको जो एजुकेशन मटेरियल है उनको ना प्रोवाइड करें, तो ऐसे में देखिए आप जो पढ़ के जाएंगे ना, हो सकता है कि वो एग्ज़ाम में पूछे ही ना, थोड़ा सा आप कठिन लेवल का पढ़ के जाएँ, सरल सरल पूछ ले। तो अगर आप दूसरों का सहयोग जैसी भावना रखेंगे तो ईश्वर आपका सहयोग करेगा, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो कभी भी किसी के प्रति जो है ऐसी भावना ना रखें, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है सहयोग करिए, मदद करिए। तो इसमें देखिए क्या है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, तो जो सीखने के लिए आकलन, ये चीज़ आप अंडरलाइन कर लीजिए कि सीखने के लिए आकलन कर रहा है, ना कि सीखने का आकलन कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है विद्यार्थियों की क्षमताओं का, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का, विद्यार्थियों की त्रुटियों का, विद्यार्थियों के अधिगम से लें। देखिए आप सीखने के लिए आकलन मतलब अभी आप सिखाने जा रहे हैं, उसके लिए आप जरूरी हो जाता है कि अधिगम शैलियों का ध्यान रखें, विद्यार्थी की रुचि कितनी है, उसकी क्षमताएं कितनी है, कैसी त्रुटियां करता है ये चीज़, लेकिन उसकी आवश्यकता को आप जो है ध्यान रखना जरूरी उतना नहीं होता, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आखिरी प्रश्न है 90 नंबर, इसको ध्यान से देखिएगा।
90 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसका ऑप्शन यहाँ पे जो है नहीं आ पाया। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्षों को प्रदर्शित करती है? तो देखिए बाल केंद्रित कोड वर्ड आया है, तो इसको हम आंसर आपको बता दे रहे हैं। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा कक्ष का वातावरण एवं पाठ्यक्रम स्वरूप जो है बालक के अनुकूल तैयार किया जाता है, ताकि बालक सहज एवं सरल ढंग से सीख सके। कक्षा में एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूहों में बैठते हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जाती है, इससे पता चलता है कि कक्षा कक्ष क्या है, बाल केंद्रित है। ऐसा नहीं है कि बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में बच्चों को ही सर्वे सर्वा मान लिया जाए, रटंत विद्या पर उन्हें अभ्यास कराने पर ऐसा कुछ किया जाए, जो प्रतिभाशाली हैं उनको अलग वर्ग में, जो विशेष आवश्यकता वाले हैं उनको अलग वर्ग में बांट दिया जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया गया ठीक है, कि इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, कि जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए, वो बालक के अनुसार होना चाहिए, बालक की रुचियों के अनुसार होना चाहिए, उसकी क्षमता के अनुसार होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बालक सहज एवं सरल ढंग से सीख पाएगा। उम्मीद है कि आपको जो है यहाँ पे ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप जो है 10 में से कितने सही किए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न छोड़ दीजिए क्योंकि इसका ऑप्शन आपको आज देखने को नहीं मिला। अगर आपको पता है कि इसका आंसर यही होगा तो भी उसको आप काउंट कर सकते हैं। मॉर्निंग में आपकी एक क्लास होती है, हिंदी की क्लास होती है, उसमें आपको टॉप 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखिए 10 क्लासेस होंगी बारी बारी से, 10 हिंदी की, 10 साइको की, ऐसे ही आपका जो सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट की 10-10 यहाँ पे मॉक टेस्ट होंगे। उसके बाद जिस टॉपिक वाइज टेस्ट कराएंगे, मतलब पूरी तरीके से आपको इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ा दिया जाएगा कि क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाने वाला। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मॉर्निंग क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।